मिडिल क्लास एक ऐसी शय जिसके बारे में सुना सबने है, लेकिन वो वास्तव में है क्या किसी को भी ठीक ठीक मालूम नहीं। बजट आते ही एक रट लगा दी जाती है कि हाँ इस बार तो मिडिल क्लास की कमर टूट ही गई, लेकिन कच्ची कमर वाली इस मिडिल क्लास में आता कौन कौन है? जिनका अपना घर है वो आते हैं। घर है तो कितना बड़ा घर, 1 आर के सेट चलेगा, 2+ स्टडी या फिर प्रॉपर 3 BHK, पार्किंग घर में होगी या सड़क पर होगी, और पार्किंग किसकी मिडिल क्लास के कॉन्टेक्स्ट में, बाइक लायक या कार लायक, कार कौन सी, हैचबैक या सेडान, ये सब क्लियर हो उससे पहले और 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, लोअर मिडिल क्लास भी है, अपर मिडिल क्लास भी है, यानी EMI पर घर लेने वालों से लेकर इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लैट खरीदने वाले तक सभी को मिडिल क्लास कह दिया जाता है। जब कुछ क्लियर ही नहीं है तो फिर इनके लिए नीति बनाई कैसी जाए, क्योंकि मिडिल क्लास की परिभाषा इतनी विस्तृत है कि सरकार जो भी करे वो मिडिल क्लास के किसी न किसी हिस्से को दुखी कर ही देता है। यही हाल 2024-25 के बजट के बाद भी हुआ। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII की गुजरात इकाई के चेयरमैन कुलीन लाल भाई ने यह दावा किया कि मिडिल क्लास की खपत कम हो गई। CII, जैसा आप जानते हैं, इंडस्ट्रीज का एक संगठन है, देश की कई प्राइवेट और सरकारी कंपनीज इसकी मेंबर हैं। फिर इंफोसिस के पूर्व चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर TV मोहनदास पाई ने ट्वीट किया, ये लिखते हैं कि PM नरेंद्र मोदी, मिडिल क्लास इज वेरी एंग्री एंड अपसेट, यानी मोदी जी मिडिल क्लास बेहद नाराज और दुखी है। ये दो बयान फिर वही सवाल हमारे सामने रखते हैं कि टीवी फ्रिज की खपत जहां कम हुई है वो मिडिल क्लास है, या फिर कैपिटल गेन के नियमों में बदलाव से दुखी लोग मिडिल क्लास हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि मिडिल क्लास का जन्म कैसे हुआ, आर्थिक जगत में मिडिल क्लास की क्या परिभाषा है, और भारत के लिए मिडिल क्लास कितना ज़रूरी है, और दुनिया भर के विकसित देशों में मिडिल क्लास कितना बड़ा होता है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची आसान भाषा में। अर्थशास्त्रियों के बीच मत है कि जनसंख्या के बीच मिडिल क्लास के आकार को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई देश तरक्की कर रहा है या नीचे फिसल रहा है। मंत्र ये कि विकास की ओर अग्रसर देश में मिडिल क्लास का आकार बढ़ेगा, मिसाल के लिए चीन या भारत, और जो देश रेस में पीछे छूट रहे हैं वहाँ मिडिल क्लास श्रिंक होगा, उसका आकार घटेगा, ज़्यादातर लोग गरीब हो जाएंगे और कुछ लोग बेहद अमीर, एक्सट्रीमिटीज़ में काम होगा, मिडिल क्लास कम होगा, जैसा हम इन दिनों पाकिस्तान में देख रहे हैं, हिंसाग्रस्त साउथ सूडान, अफगानिस्तान वगैरह में भी देख रहे हैं। इसका मतलब मिडिल क्लास का महत्व है तो सही, और ये महत्व इसलिए भी है क्योंकि तरक्की के जितने आधुनिक साधनों या कारकों को आप जानते हैं उन्हीं के चलते मिडिल क्लास का जन्म भी हुआ था। दो वजहें थी, एक व्यापार और दूसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। व्यापार तो बहुत पुराना है, 17वीं शताब्दी से यूरोप ने भारत के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार करना शुरू किया। वेस्ट और ईस्ट के बीच बहुत बड़े स्केल पर व्यापार शुरू हुआ, जिसकी दो पिविट्स थे, एक ब्रिटेन और एक इंडिया। इससे यूरोप की सोसाइटी में 3 बड़े बदलाव हुए, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और सोशल। जब इस लेवल पर बिजनेस होगा तो पैसे का लेन देन कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, इस वजह से बैंकिंग सिस्टम पनपा, बिजनेस कंपनीज आई, नतीजा हुआ कि कर्ज का सिस्टम बना। इसके अलावा मॉडर्न कंपनी बनाने का रास्ता खुला, जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी, कंपनी बहुत पहले से चल रही है लेकिन मॉडर्न कंपनीज, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, चार्टर कंपनीज, इनमें प्रोफेशनल तरीके से काम हुआ, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी ऐसी ही एक मॉडर्न कंपनी थी, वेरी करप्ट बट थी। तो इन सभी चीज़ों से नए प्रोफेशंस का जन्म हुआ, जैसे अकाउंटेंट्स, स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स, और बैंक में कई पोस्ट बनी क्लर्क्स की। इसके साथ ही न्यायिक व्यवस्था में भी बड़े बदलाव देखने को मिले और मॉडर्न कोर्ट्स की नींव रखी गई। इससे यूरोप में एक नए क्लास का उदय हुआ। इससे पहले यूरोप में आमतौर पर 3 ही क्लासेस थी, चर्च जिससे क्लर्जी निकलती थी, राजा और उसके सामान जहाँ से नोबिलिटी के लोग आते थे, और प्रजा, सब्जेक्ट्स। लेकिन इसके बाद मिडिल क्लास का उदय होता है, जिसमें जजेस आते हैं, वकील हैं, टीचर हैं, व्यापारी हैं, बैंकर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, माने ये राजा और उनके सामंतों जितने ताकतवर तो नहीं हैं, लेकिन जो बाकी प्रजा है उनके कंपैरिजन में आर्थिक और सामाजिक रूप से ये ताकतवर भी थे। ये बात हुई इतिहास की। अब समझते हैं मिडिल क्लास की डेफिनेशन।
प्राइस यानी पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी एक थिंक टैंक है जो हिंदुस्तान में सामाजिक और आर्थिक मोर्चे पर रिसर्च करती है और पॉलिसी के सुझाव देती है। इसने जून 2023 में एक रिपोर्ट निकाली, अराइजिंग इंडियाज मिडिल क्लास। इसके मुताबिक हम आर्थिक मोर्चे पर देश के वासियों को चार कैटेगरीज में बांट सकते हैं। सबसे पहला है डेस्टिट्यूट्स का। नाम से जाहिर है सालाना घरेलू इनकम इनकी 1.25 लाख से कम है, बहुत मुश्किल में दुश्वारी में जिंदगी बिता रहे हैं। दूसरे हैं एस्पायरर्स, इनमें आने वाले लोगों की सालाना घरेलू कमाई 1.25 लाख से 5 लाख के बीच है। इसके बाद आते हैं मिडिल क्लास, इसमें लोअर मिडिल और अपर मिडिल क्लास शामिल है जिनकी सालाना घरेलू आमदनी 5 लाख से 30 लाख के बीच में है। और इसके बाद आते हैं रिच, इस ग्रुप में सालाना घरेलू आमदनी 30 लाख के ऊपर होती है, 30 से ऊपर वो कितनी भी ज़्यादा हो सकती है। ये तो ही डेफिनेशंस की बात, अब समझते हैं मिडिल क्लास का देश की इकोनॉमी में योगदान क्या होता है। मिडिल क्लास की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए प्राइस की रिपोर्ट पर आप नजर डाल दिए। चीज़ें सिंप्लीफाई करने के लिए हमने डेस्टिट्यूट्स और एस्पायरर्स को क्लब किया है। तब हमारे पास तीन कैटेगरीज बचती हैं, लोअर क्लास जिसमें डेस्टिट्यूट्स और एस्पायरर्स दोनों हैं, मिडिल क्लास और तीसरा रिच। अब एक कंपैरिजन कीजिए, देश में लोअर क्लास की आबादी कितनी है, हमारे यहाँ 65% और देश की कुल आमदनी और खर्च में इनकी हिस्सेदारी है क्रमशः 27% और 35%। 27% कमाते हैं, 35% खर्च देश का करते हैं, डिस्प्रपोर्शनेटली इन्हें खर्च करना पड़ रहा है। जबकि देश में 31% लोग मिडिल क्लास की कैटेगरी में आते हैं लेकिन आमदनी के मामले में इनका शेयर देश की कुल आमदनी का 50% है। वहीं रिच यानी वो लोग जिनकी सालाना घरेलू आमदनी 30 लाख से ऊपर है, उनकी संख्या सिर्फ 4% है लेकिन आमदनी में इनकी हिस्सेदारी 23% है, डिस्प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा कमाते हैं। कुल मिलाकर देखें तो देश में सबसे ज़्यादा पैसा मिडिल क्लास ही कमाता है और सबसे ज़्यादा खर्च भी मिडिल क्लास करता है। ये आंकड़ा ही मिडिल क्लास को देश के लिए अहम बनाता है। कैसे, इसे समझने के लिए आप थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पर गौर कीजिए। देश में एक साल में बनने वाली सभी वस्तु और सेवाएं जो मार्केट में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं उन सब की मार्केट वैल्यू को जोड़ दें तो बनती है जीडीपी, यानी सब्जियों से लेकर स्टील तक और एडुकेशन से लेकर ट्रेन बस तक की सेवाओं की मार्केट वैल्यू, ये जीडीपी है। देश में कोई चीज़ तभी बनेगी जब उसकी खपत भी हो, इसी वजह से खपत का जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान होता है। हमारे यहाँ प्राइवेट कंजम्पशन यानी आम लोग जो खरीदारी करते हैं उससे देश की जीडीपी का 60% बनता है। अब अगर घरेलू आमदनी कम हो जाएगी तो खपत ऑटोमेटिकली कम होगी और इसके नतीजे में बाज़ार में डिमांड नीचे आएगी, लोग सामान नहीं खरीदेंगे तो उन्हें बनाने वाले कारखाने भी धीमे होंगे और इवेंचुअली बंद होंगे। ऐसे में नौकरियों की संख्या में गिरावट होती है और बेरोजगारी अगर पहले से है तो और बढ़ने लगती है। बेरोजगारी अगर बढ़ती है तो घरेलू आमदनी और कम होती है और एक विशेष साइकिल चलता है, कुचक्र चलता है। वहीं अगर किसी अर्थव्यवस्था में खपत अच्छी है तो इकोनॉमी बढ़ती है, बशर्ते खपत का सामान देश में बने बाहर से आयात ना किया जाए। प्राइस रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि देश में 48% से ज़्यादा खपत मिडिल क्लास करता है, यानी इकोनॉमी के इंजन चलाने के लिए मिडिल क्लास बेहद ज़रूरी है। अब ये तो मौजूदा हालात की बात हुई, इस रिपोर्ट का कहना है कि 2047 तक भारत में मिडिल क्लास की संख्या में बढ़ोतरी होगी। मिडिल क्लास का कुल जनसंख्या में प्रतिशत 31% से बढ़कर 61% तक पहुंच सकता है, माने खपत का इंजन और ताकतवर होगा। अगर हम विकसित देशों पर नज़र डालें तो प्यू रिसर्च के मुताबिक साल 2021 में अमेरिका में 50% लोग मिडिल क्लास कैटेगरी के थे। यूरोप के कई विकसित देश जैसे ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, नॉर्वे में मिडिल क्लास का साइज 50% से ऊपर है। ये साफ दर्शाता है कि देश की प्रगति में मिडिल क्लास बेहद अहम है। भारत जैसे विकासशील देशों को लगातार पॉलिसी के लेवल पर ये प्रयास करना चाहिए कि मिडिल क्लास के लोगों पर बोझ कम हो, इसके साथ ही लोअर क्लास के लोगों की आमदनी में बढ़ोतरी भी हो और वो मिडिल क्लास का हिस्सा बन पाए। आज के लिए इतना ही। एपिसोड लिखा था हमारे साथी आकाश ने और आलोक ने इसे रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए डी लल्लन टॉक।